आज हम लोग झारखंड के इतिहास में माझी शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। माझी परगना शासन व्यवस्था सांथालियों का शासन व्यवस्था है। सांथाल झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति है। और बच्चों को ये प्रश्न आता है कि सर माझी शासन व्यवस्था में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, कैसे प्रश्न आते हैं, तो इसमें कुछ खास टर्मोलॉजी है, उस टर्मोलॉजी को समझना है। प्रश्न उसी से आते हैं, इस शासन व्यवस्था को बाकी शासन व्यवस्था से ज्यादा बेहतर से समझना होगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संथाल के बारे में। संथाल झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है, यानी बहुसंख्यक है। लेकिन झारखंड में संथालों का आगमन काफी बाद में हुआ। ऐसा बताया जाता है कि 1790 ईस्वी के आसपास झारखंड में संथालियों का प्रवेश बसना चालू हुआ। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द बसते थे। झारखंड में ये इस क्षेत्र जिसको आप कह सकते हैं बीरभूम क्षेत्र या मानभूम क्षेत्र, इस एरिया में वो पहले बसे हुए थे। 1790 ईस्वी से बसना प्रारंभ किए और बताया जाता है कि 1830 तक, 1815 से 1830 तक के बीच में ये झारखंड के सीहू, जिसे आप कह सकते हैं दालमा या सरंडा के जंगलों, और ये देवघर गुड्डा जो संथाल परगना क्षेत्र, इसमें बसना चालू किए। 1836 आते आते सरकारी रिपोर्ट के अनुसार संथालियों का 427 गांव हो चुके थे और सरकार ने लगभग 1338 स्क्वायर मील वर्ग मील का एरिया बताया कि संथालियों का क्षेत्र है। अब आता है कि संथाल जनजातियों ने कैसे सीखा, उनकी शासन प्रणाली कैसी थी। तो उन्होंने इस क्षेत्र में रह रहे आप जानते होंगे कि इस क्षेत्र में रह रहे पहाड़िया जनजाति थी। सौरिया पहाड़िया को इन्होंने अपदस्त करके, उससे लड़ाई करके उसको हटा के इन क्षेत्रों को अपना हिस्सा बनाया। इस क्षेत्र में धीरे धीरे इन्होंने अपनी शासन प्रणाली अपनाई और उन शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि इनका बहुत सारी बातें सौरिया पहाड़िया से मिलता है। माझी परगना शासन व्यवस्था में 5 प्रमुख अधिकारी हैं। ये अधिकारी एक स्थान पर अपना पंचायत लगाते हैं, उसे माझी स्थान कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। 5 प्रमुख स्थानों में पहला होता है माझी। यह गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है, प्रधान होता है, जिसे गांव के अध्यक्ष कहते हैं। ये गांव में जितने दुर्बल लोग हैं, विधवा, विकलांग या कमजोर वर्ग, उनकी सहायता करता है। बाद में इसे राजस्व का अधिकारी भी दे दिया गया है, यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर थे। दूसरा प्रमुख है परानी। परानी को उप प्रधान भी कहते हैं। जब गांव में माझी नहीं रहता था तो उस समय अध्यक्ष का काम परानी करता था। तीसरा महत्वपूर्ण है जोग माझी। जोग माझी युवक युवतियों का नेता होता था, इसको चारित्रिक नेता भी कहते हैं, यानी संथाली जनजातियों के युवक युवतियों के चरित्र गिरने न पाए उसकी देखरेख जोग माझी करता था। साथ ही जन्म, विवाह और उत्सव का भी यह अधिकारी होता था। जोग प्रमाण, यह माझी का सहायक होता था, यानी माझी जो काम करता था उसमें जरूरत पड़ती थी तो वो जोग प्रमाणिक से सहायता लेता था। इसके बाद गोड़ाई
या गुड़ायत कहते हैं, या उत्सवों को सूचना देता है। और इन पांचों अधिकारियों के लिए एक शब्द यूज किया जाता मोड़े होड़े, मोड़े होड़े। अब गांव की पंचायत माझी पंचायत कहलाती थी और इसीलिए इसे माझी परगना शासन व्यवस्था भी कहते हैं। पांच माझी की पंचायत को मोड़े माझी कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते थे वो परगना कहलाते थे और उसने सेंद्रा भिंसी होता था। वर्ष में एक बार ये इनका सुप्रीम कोर्ट होता था। ऐसे समझ लीजिए कि जो बातें, जो मुद्दा, जो मामला माझी नहीं हल कर पाता था उसे मुड़ माझी के पास यानी कि परगना के पास ले जाया जाता था। अगर वो हल नहीं करता था तो सेंद्रा बेंसी में उसको रखा जाता था। यह एक प्रकार का शिकार परिषद था जहां वर्ष में एक बार लोग आते थे। अब देखिए इन मुड़ माझी यानी कि परगना और माझी के बीच में एक और पद होता था जिसको देश माझी कहते थे, जो परगना का सहायक होता था। अच्छा, परगना के संदेशवाहक को चकलादार कहते थे। परगना के संदेशवाहक को चकलादार कहते थे। अच्छा, 15 से 20 गांवों के जो धार्मिक प्रधान होते थे उन्हें नायके कहते थे और 70 से 80 गांवों को प्रधान को सरदार। 1836 ईस्वी में जब गवर्नमेंट ने संथाल परगना, अब देखिए संथाल परगना की शुरुआत अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो यह समझेंगे कि 1770-72 में पहाड़िया पहाड़िया तो यही झारखंड के देवघर बांका गुड्डा। उस समय आपको ये बता दें कि इस समय वहां पर पहाड़िया जनजाति सौरिया पहाड़िया ने विद्रोह किया। सौरिया पहाड़ियों को मुगल काल में लुटेरे के नाम से जान जाते थे क्योंकि जब भी राजस्व उधर से जाता था तो वो उसे लूट लेते थे। उसके बाद उस 10 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में यानी 1781-82 में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी देवी उनके साथ होली और इस एरिया को दामिन ए कोह घोषित कर दिया गया। दामिन ए कोह, याद कीजिएगा, यह पूछता है कि किस विद्रोह के बाद इसे दामिन ए कोह घोषित किया गया, तो यह पहाड़िया विद्रोह के बाद इसे दामिन ए कोह घोषित किया गया। फिर जब 1855-56 में सांथाल विद्रोह हुए तब उस समय इस एरिया को सांथाल परगना घोषित कर दिया और नन रेगुलेशन एक्ट लगा दिया गया। याद होगा नन रेगुलेशन एक्ट लगाया गया इस संथाल परगना यानी कि इस क्षेत्र में। नन रेगुलेशन एक्ट का मतलब यह हुआ कि यहां कोई भी कानून नहीं लागू होगा। यही कारण है कि 1949 में इस एरिया में SPT आया। याद है SPT 6 जिले हैं, संथाल परगना के 6 जिले हैं। तो उन 1836 ईस्वी में माझी, नायक और सरदार तीनों का पद जो है गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया गया। बाद में जब सरकार बनी, लोगों की जनचेतना चली, तब जाकर यह माझी परगना शासन व्यवस्था डिजॉल्व हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये था कि ये मोड़ होड़े जो थे, ये मोड़ होड़े जो पांचों थे, इन लोगों को पहले तो चुनाव होते थे लेकिन बाद में एक तो माझी को रेवेन्यू का अधिकार दे दिया और यह पांचों पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, ये सेंद्रा बेंसी में यानी शिकार परिषद में न्याय दिया जाता था दो गांवों के बीच या गांव के बीच में। सबसे बड़ा अपराध यौन अपराध था, व्यभिचार, अनैतिक यौन संबंध बड़े अपराध में आते थे।
तो यौन अपराध के लिए बिठलाहा, बिठलाहा, बिठलाहा यानी बिरादर से बाहर कर देना, और बिरादर में फिर से आने के लिए उन्हें सामाजिक रूप से भोज भात देना था, जिसके लिए एक शब्द है जा जोए, यानी वे फिर से अपने जात में शामिल हो जाए, इसके लिए उन्हें भोज भात, छोटे बड़े सारे प्रकार के दंड दिए जाते थे। तो यह है आपका माझी परगना शासन व्यवस्था, और इसी पे कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं जो एमसीक्यू है। अब हम कुछ एमसीक्यू कराने जा रहे हैं जिसमें माझी परगना शासन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जेपीएससी पीटी में आएंगे। जैसे बिटलाहा, बिटलाहा व्यक्ति को बिरादरी में शामिल करने के लिए क्या कहा जाता था? तो जनरली हम लोग जानते हैं कि उसे भोज देना होता था, भोज। तो इसके लिए एक शब्द बना है जिसे क्या कहते थे, जोए जात, जोए जात, यानी फिर से उसे जात में शामिल कर लिया जाता था। बिटलाहा यौन अपराध के लिए दंड दिया जाता था, उसे बिरादर से बाहर कर दिया जाता था। दूसरा प्रश्न है, सांथाली समाज में गांव के युवक युवतियों को के चारित्रिक अभिभावक कौन होता था? तो चारित्रिक अभिभावक जो होते थे वो ध्यान रखते थे कि किसी का चरित्र गड़बड़ा नहीं रहा है, तो उसे एक अधिकारी होते थे जोग माझी। तो जोग माझी जो होता था वो संथाली समाज में यानी माझी परगना शासन व्यवस्था में युवक युवती के चारित्रिक अभिभावक माने जाते थे। तीसरा प्रश्न है, माझी परगना शासन व्यवस्था में पंचायत कहां बुलाया जाता था? माझी परगना शासन व्यवस्था में पंचायत कहां बुलाया जाता था? सारना स्थल, माझी स्थान, जाहिर थान और देहरी। तो माझी थान जहां होता था वहां पर इसका पंचायत बुलाया जाता था और पंचायत का अध्यक्षता करते थे माझी। चौथा प्रश्न है, परगना के संदेश वाहक जो परगना होते थे, पांच गांवों को मिलाकर उसे परगना बोलते थे, तो उसके संदेश वाहक को क्या कहलाता था? दस माझी, हरकारा, परमानी या चकलादार? तो उसे क्या कहते थे, चकलादार। और पांचवा क्वेश्चन है, माझी परगना शासन व्यवस्था में किसे पुलिस के अधिकार दिए गए? बाद में जब ब्रिटिश शासन लागू हो गया तो इन्हें कुछ पुलिस के अधिकार दिए थे, तो उसमें इसे चकलादार को पुलिस के अधिकार दिए थे। तो ये था आपका माझी परगना शासन व्यवस्था, और अगले क्लास में जितने भी शासन व्यवस्था होंगे सारे का एमसीक्यू हम करा देंगे। और देखते रहिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा करेंगे।